ये आपके भाई हैं? हाँ जी सर, हमारे क्या नाम था इनका इनका? नाम था प्रदीप उर्फ ज्वालादीन। जी, कब से लापता है ये? सर ये 29 तारीख से लापता है। 29 तारीख से। जी सर। इसकी रिपोर्ट आपने दर्ज हाँ, कराई थी इसकी थाने? रिपोर्ट हमने 30 तारीख को पुराना थाने में दर्ज करवा दी थी सर। जी, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में इसका कोई पता नहीं चला। उनतीस मार्च से लापता किसान की लाश नदी में तैरती देखकर फैली दहशत। दरअसल योगी सरकार में पुलिस विरोधियों को कुचलने और उगाही करने में बिजी रखी जाती है, और दूसरी तरफ क्राइम का ग्राफ खुला तांडव कर रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूपी के हमीरपुर की, जहां भौली गांव में गुजरी 29 मार्च से लापता किसान की लाश आज नदी में तैरती मिली। लाश मिलने के आसपास के गांवों में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश नदी से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हमीरपुर जिले के थाना कुरारा के गांव भौली का ज्वाला दिन 29 मार्च को खोई हुई बकरी को तलाशने निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। ज्वाला दिन के न मिलने पर परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आज 2 अप्रैल को यमुना नदी में एक लाश तैरती देखी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को निकलवा कर शिनाख्त करवाई। शिनाख्त में लाश ज्वाला दिन की बताई गई। जी, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में इसका कोई पता नहीं चला। अच्छा, तो आज ये यमुना नदी में आपको मिट्टी मिली? यमुना नदी वो सर गया था हमारे गांव से करीबन 2 किलोमीटर दूर। जी, और कोतुपुर गांव पड़ता है सर। जी, बकरी मेरी खो गई थी तो बकरी लेने गया था। जी, उधर बकरी तो मिल गई है सर, पर उधर से ये लापता है। अच्छा, बकरी खो गई थी, ढूंढने गया था, उसके बाद लापता है। हाँ जी सर। उसके बाद मिट्टी मिली है सीधा? हाँ, सीधे उसकी मिट्टी मिली है। तो ये किसी पे शक है, मर्डर हुआ क्या हुआ इसका? हाँ सर, कुछ लोगों के ऊपर शक है। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है। न्यूज़ SMS जिला चीफ रिपोर्टर बल यशेंद्र सिंह गौर।